Hello students, welcome to your online class again. So today we will be doing chapter 11. Okay? तो आज हम क्या करेंगे? O की मात्रा. तो O की मात्रा हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे, ठीक है? O की मात्रा हम लोग ऐसे लिखते हैं. तो शुरू करते हैं. Let's start. First word. पहला word क्या है? More. M plus O की मात्रा plus R. तो यहाँ पे क्या करना है? ओ की मात्रा जोड़ना है तो क्या हो जाएगा? मोर. मो ओ की मात्रा और र मोर. फिर च प्लस ओ की मात्रा प्लस र क्या हो जाता है? चोर. च में ओ की मात्रा और र चोर. फिर आता है तोता. त प्लस ओ की मात्रा प्लस त में आ की मात्रा हो गया तोता. त में ओ की मात्रा त में आ की मात्रा तोता. फिर घोड़ा. घ प्लस ओ की मात्रा प्लस र में आ की मात्रा तो हो गया घोड़ा. ठीक है, उसी तरह हम लोगों को क्वेश्चन नंबर वन करना है. पढ़िए और जोड़कर लिखिए. तो जोड़कर लिखना है, ठीक है? पहले पढ़ के फिर जोड़ के लिखना है. तो ट प्लस ओ की मात्रा प्लस प क्या हो जाएगा? टोप. ट में क्या करना है? ओ की मात्रा जोड़ देना है तो हो गया टोप. फिर पोल. प में ओ की मात्रा और ल. प में क्या करना है? प में ओ की मात्रा और ल हो गया पोल. ठीक है, फिर ल में ओ की मात्रा प्लस ह में आ की मात्रा तो इसको जोड़ लेना है तो हो जाएगा लोहा. ठीक है, फिर क्या होगा? गोला. ग में ओ की मात्रा प्लस ल में आ की मात्रा बन गया गोला. ठीक है, तो हो गया ट. फिर उसी तरह दो, बाकी जो दो बचा है उनको भी जोड़ के करना है. ठीक है, यहाँ पे ये लाइन और ए लाइन तो क्या होगा? ग में ओ की मात्रा भ में ई की मात्रा हो जाएगा गोभी. र में ओ की मात्रा ट में ई की मात्रा हो जाएगा रोटी. फिर बोतल. ब में ओ की मात्रा त और ल को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा बोतल. फिर मोटर. म में ओ की मात्रा और ट और र मोटर. उसी तरह इस साइड पे जो है रखो. र ख में जोड़ना है. अभी अभी र के बाद ओ की मात्रा नहीं है. जिस लेटर के बाद ओ की मात्रा रहेगा उसी लेटर के साथ हम लोगों को जोड़ना है. तो र ख में ओ की मात्रा हो गया रखो. प र में ओ की मात्रा हो गया पढ़ो. फिर खिलाओ. ख में छोटा ई की मात्रा ल आ की मात्रा ओ की मात्रा ओ की मात्रा हो गया खिलाओ. फिर प क र में ओ की मात्रा हो गया पकड़ो. ठीक है, तो अभी करते हैं नंबर टू. रंगीन अक्षरों पर ओ की मात्रा लगाइए और पढ़िए. तो यहाँ पे रंगीन अक्षर जो है उसमें ओ की मात्रा लगाना है. ठीक है, तो अभी दो अक्षर वाले शब्द में यहाँ पे रंगीन अक्षर कौन सा है ये देखो. श ब म ल भ ग ख और यहाँ पे च. ठीक है, तो उस रंगीन अक्षरों पे हम लोग को क्या करना है? ओ की मात्रा लगाना है. तो श यहाँ पे रंगीन अक्षर है तो उसपे ओ की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा शोर. फिर ब है उसमें ओ की मात्रा लगा देंगे बोल. फिर म है फिर उसमें ओ की मात्रा लगा देंगे मोटा. तो स्टूडेंट्स अभी जो ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ये सब क्या है? रंगीन अक्षर है. ठीक है, तो उन रंगीन अक्षरों पे हम लोगों को ओ की मात्रा लगाना है. तो आपके बुक में क्लियरली दिया हुआ है, रंगीन अक्षर में दिया हुआ है. ठीक है, तो अभी करते हैं. ल में ओ की मात्रा जोड़ देंगे तो हो जाएगा लोहा. फिर भ में ओ की मात्रा जोड़ देंगे भोर. ग में ओ की मात्रा गोल. ख में ओ की मात्रा खोटा. यहाँ पे च में ओ की मात्रा लगाएंगे क्योंकि च है रंगीन अक्षर तो नाचो. फिर मोटर. फिर क्या? जोकर. यहाँ पे बोतल. मोहन. लोमड़ी. ठीक है, हर शब्द में रंगीन अक्षरों के बाद ओ की मात्रा जोड़ देना है. फिर समझो. फिर कोमल. कोयल. ठीक है, यहाँ पे दोपहर. सोमवार. खरगोश. गोलकार. गोलाकार. फिर कोतवाल. फिर टोपी वाला. फिर बोलचाल. फिर
वीर क्या है, मोहताज। ठीक है, तो रंगीन अक्षरों में हम लोगों ने ओ की मात्रा जोड़ दिया है, तो क्या क्या शब्द बने, शोर, भोर, बोल, गोल, मोटा, खोटा, लोहा, नाचो, ये सब थे दो अक्षर वाले शब्द। अभी तीन अक्षर वाले शब्द पढ़ते हैं, मोटर, जोकड़, बोतल, मोहन, लोमड़ी, समझो, कोमल, कोयल। फिर चार अक्षर वाले शब्द क्या क्या है, दो पे है सोमवार, खरगोश, गोलाकार, कोतवाल, टोपी वाला, बोलचाल और मोहताज। ठीक है, तो ये थे दो अक्षर वाले शब्द, तीन अक्षर वाले शब्द और चार अक्षर वाले शब्द, जिनमें हम लोगों ने ओ की मात्रा जोड़ा है और नए शब्द बनाए हैं। ठीक है, तो अभी नंबर थ्री करते हैं, शब्दों को सही चित्रों से मिलाइए। तो ये सारे जो शब्द हैं उन लोगों को हमें क्या करना है, सही चित्र से मिलाना है। तो ये क्या है, ये है ढोलक, तो ढोलक के साथ मिला दो। ये क्या है, ये क्या है, ये थोड़ा गलत है। ये क्या है, ये क्या है, ये खरगोश है, तो खरगोश के साथ मिलाओगे। ये क्या है, ये जोकर है, तो जोकर के साथ मिलाओगे। और ये कोयल है, तो कोयल के साथ मिलाओगे। ठीक है, सही चित्र के साथ हमें सही शब्द मिलाना है। ठीक है, तो उसी तरह आप लोग क्या कर सकते हो, नंबर फोर भी कर सकते हो। ठीक है, तो नंबर फोर उसी तरह सेम करना है, पहले जो चित्र दिया है उसका पहला अक्षर लेके आपको शब्द बनाना है। ठीक है, उसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर फाइव भी कर सकते हैं। देखो, ये शब्द जाल में से छह पशु पक्षियों के नाम ढूंढकर लिखिए। तो ये क्या है, यहाँ पे ये पजल बोलते हैं हम इंग्लिश में, व्हाट डू यू से, वी से इट पजल। सो फ्रॉम दिस पजल यू हैव टू टेक आउट, हम लोग को क्या करना है, छह यहाँ पे जो चित्र है उन पशु पक्षियों के नाम ढूंढना है। ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये मोर है, तो मोर में हम लोग को क्या कर देना है, ऐसे सर्कल कर देना है। ठीक है, फिर ये क्या है, ये कोयल है, तो ये देखो कोयल मिल गया, कोयल में सर्कल कर देना है। ये क्या है, लोमड़ी है, तो ये देखो लोमड़ी मिल गया, लोमड़ी में सर्कल कर दो। ये क्या है, ये खरगोश है, तो खरगोश में सर्कल कर दो। ये क्या है, घोड़ा, ये देखो तो घोड़ा में सर्कल कर दो। और ये क्या है, तोता, तो ये तोता में सर्कल कर दो। तो हम लोग को मिल गया छह पशु पक्षियों के नाम ढूंढकर लिखने थे, तो छह पशु पक्षियों के नाम ढूंढ के यहाँ पे जो चित्र दिए वही है, बस आपको क्या करना है, बस उन शब्द को ढूंढ के सर्कल कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेना है क्या क्या मिला है हम लोगों को, मोर, फिर लोमड़ी, फिर खरगोश, फिर कोयल, फिर तोता और घोड़ा। ठीक है, तो ये सारे जो शब्द हमें यहाँ से मिले हैं ये यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, पेज नंबर 50 में जो दिया है राजा का तोता। तो देखो, एक तोता था उसका नाम छोटू था। तो एक तोता था, तोता तोता मतलब सबको पता होगा, तोता क्या है, पैरोट है ना। तो एक तोता था और उसका नाम क्या था, छोटू था, उसको सब क्या बुलाते थे, छोटू। ठीक है, वो राजा के महल में रहता था। तो यहाँ पे बोला ही है कि वो एक राजा का तोता है ना, एक राजा का वो तोता है, तो वो कहाँ रहेगा, राजा के महल में ही रहेगा। छोटू रेशमी कपड़े पहनता था, और छोटू जो है वो तोता जो है वो कपड़े भी पहनता था, कैसे कपड़े, रेशमी कपड़े। ठीक है, एक दिन छोटू धोबी के पास गया। तो एक दिन क्या हुआ, छोटू जो था वो तोता जो था एक धोबी के पास गया। उसने धोबी से कहा, धोबी चाचा मेरे कपड़े भी धो दो। तो तोता ने क्या बोला, तोता तो रेशमी कपड़ा पहनता था है ना, तो धोबी के पास जाके क्या बोला, उसने धोबी को बुलाया, धोबी चाचा मैंने जो कपड़े पहने मेरे कपड़े भी धो दो। धोबी बोला, ठीक है अपने कपड़े ले आओ। तो धोबी ने क्या बोला, ठीक है तुम जाओ और अपने कपड़े ले आओ, मैं धो दूंगा। छोटू तोता महल तक गया और कपड़े ले आया। तो छोटू ने क्या किया, वो कहाँ रहता था, राजा के महल में, तो वो अपने महल तक गया और महल से वो अपने कपड़े ले आया। धोबी ने छोटू के सारे कपड़े धो दिए। तो धोबी के पास क्या बोल रही हूँ मैं, तोता के पास बहुत सारे रेशमी कपड़े थे है ना, एक नहीं था बहुत सारे थे। तो वो अपने सारे कपड़े ले आया और धोबी चाचा ने क्या किया, छोटू के सारे कपड़े धो दिए। तोता बहुत खुश हुआ। तो जब धोबी चाचा ने
तोता के छोटू के सारे कपड़े धो दिए। उसके बाद छोटू बहुत खुश हो गया। ठीक है, उसने राजा को सारी बात बताई और उसने जाके राजा को सारी बात बताई कि धोबी चाचा ने उसके सारे कपड़े धो दिए थे। राजा ने धोबी को खूब सारा इनाम दिया और राजा भी खुश होकर, राजा ने क्या किया, राजा के तोते का कपड़ा सारा धोबी ने धो दिया था तो राजा भी खुश होकर धोबी को बहुत सारा इनाम दिया। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, राजा का तोता है ना, तो एक तोता था, फिर से पढ़ लेते हैं, आप सब भी मेरे साथ पढ़ना। एक तोता था, उसका नाम छोटू था, वो राजा के महल में रहता था। छोटू रेशमी कपड़े पहनता था। एक दिन छोटू धोबी के पास गया। उसने धोबी से कहा, धोबी चाचा मेरे कपड़े भी धो दो। धोबी बोला, ठीक है, अपने कपड़े ले आओ। छोटू तोता महल तक गया और कपड़े ले आया। धोबी ने छोटू के सारे कपड़े धो दिए। तोता बहुत खुश हुआ, उसने राजा को सारी बात बताई। राजा ने धोबी को खूब सारा इनाम दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वी विल कंटिन्यू पेज नंबर 51 इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।